दिन दहाड़े गुंडागर्दी हो रहल बा और आप हाथ पर हाथ धर के बैठल बड़ा धंधा वाली के खाना में ज्यादा देर ले रूपल अच्छा ना हो। धंधा वाली अब चुपचाप अपन आका लोगन के नाम बताता काबिल अफसर की नियुक्ति कर चुके हैं सर। तो तू हवा मिस्टर शहनशाह जन हमरे इलाका में छुट्टा साड़िया सबके सिंह मारत घूमत बड़ा। अरे हम तो कब से तैयार बानी साहेब कुछ कहे तब ना। कैसन काम थप्पा लगावे वाला काम लागे तो हर डर लच कौवा ए रानी कर प्यार हच कौवा ए रानी। तू दबंगों के दबंग जीत लेला हर जंग सारी दुनिया में बतोरे बोल बाला हो जिया जिया हो जिया जिया हो जिया जिया हो बिहार के लाला। बहुत खुशी है और काफी अच्छी फिल्म बनी है हमारे दर्शकों के बीच में आ रही है और हम लोगों की मेहनत सबके सामने आने वाली है 5 मई को बिहार झारखंड में और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है फिल्म को लेके क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है बहुत ही प्यारी बनी है और हम लोग जाएंगे भी बिहार में फिल्म को प्रमोट करने के लिए। रवि जी हमेशा मेरे लिए लकी रहे हैं और मेरी फर्स्ट फिल्म रवि जी के साथ में आई थी और ये मेरी जो मेरी 50वीं फिल्म है ये भी उन्हीं के साथ में है रवि किशन जी के साथ में। लोगों को हमारी केमिस्ट्री बहुत पसंद आई थी और भी मैं काफ़ी सारी फिल्में कर चुकी हूँ उनके साथ में और इसमें भी एक अलग लुक एक अलग अंदाज मिलेगा लोगों को देखने के लिए। ऑडियंस से मैं यही कहना चाहूँगी बहुत ही अच्छी और एंटरटेनिंग फिल्म है आप लोग जाइए 5 मई को देखने और आपको श्योर पसंद आएगी ये फिल्म। रवि शेखर सिन्हा का प्रणाम नमस्कार आदाब। आज हम आपके सामने अपनी भोजपुरी फिल्म शहनशाह का प्रमोशन करने आए हैं। मैं हूं रवि शेखर सिन्हा और हमारे साथ मेरी को स्टार प्रियंका पंडित जी हैं। बहुत अच्छी फिल्म है आप लोग ज़रूर देखिए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नेशनल अवार्ड विनर डायरेक्टर श्री आनंद कटराज जी ने। बहुत ही शानदार कहानी है बहुत अच्छी कहानी है। इसमें एक्शन है कॉमेडी है थ्रिलर है सस्पेंस है गाने हैं रोमांस है बेहतरीन गाने बने हैं आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा क्यों प्रियंका? बिल्कुल पहले तो मेरे भोजपुरी देखने वाले सभी दर्शकों को प्रियंका पंडित का प्यार भरा नमस्कार और जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारी फिल्म शहनशाह 5 मई को फाइनल रिलीज़ होने वाली है जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था और हम लोगों को भी क्योंकि बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनाई गई है। फिल्म के अंदर रवि किशन जी हैं अंजना सिंह जी हैं मैं आप सबकी प्यारी प्रियंका पंडित और साथ में है रवि शेखर सिन्हा जी डायरेक्टर हैं हमारे आनंद घटराज जी और प्रोड्यूसर हैं विवेक रस्तोगी जी। इस फिल्म से मैं डेब्यू कर रहा हूँ एज ए सिंगर एज ए हीरो मैंने इस पिक्चर के लिए गाना भी गाया है जो मेरे और प्रियंका के ऊपर पिक्चराइज किया गया है। बहुत सिंपल सा कैरेक्टर जैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा एक दारू बेचने वाली लड़की का कैरेक्टर इसका खुद का ढाबा है और दारू बेचती है फिर उसी हिसाब से पूरी स्टोरी आगे जाती है। गाने हैं तो थोड़ी सी लाइबिलिटी मिल जाती है थोड़ा सा लुक एक्सपेरिमेंट करने में बट बहुत अच्छा कैरेक्टर थोड़ा सा यूनिक जैसे आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा यूनिक कैरेक्टर प्ले करती हूँ। रास बिहारी बड़ा ही रंगीला कैरेक्टर है हाँ, और मैं गुलबिया ये गुलबिया मेरे से दारू बेचने वाली लाइन मारती रहती हूँ इनको मतलब एक दारू बेचने वाले की पुलिस वाले का कनेक्शन कमाल की लव स्टोरी हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री हमारी है। आनंद मोहन जी ने बहुत अच्छा कॉमेडी का तड़का मारा है इसके अंदर बिल्कुल बिल्कुल मेरा सेटिंग करवाने में आनंद मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है। वो हम दोनों को ही मिलवाते हैं इस फिल्म में। मैडम ने कहा जैसे कि वो फिटनेस को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं कई वेट लॉस किए तो आप कितने फिटनेस को इम्पोर्टेंट देते हैं? हमारे लाइन में खासकर आर्टिस्ट के लिए एक्टर्स के लिए फिटनेस बहुत मायने रखता है। अगर आप फिट नहीं होंगे अगर आप अच्छे नहीं देखेंगे तो स्क्रीन पे आपको कौन पसंद करेगा। जाहिर सी बात है ऑडियंस आपको अच्छे रूप में देखना चाहती है फिट देखना चाहती है तो कोशिश तो हमारी रहती है कि हम अपने आप को काफ़ी फिट रखें बेहतर रखें ऑडियंस को अच्छा लगे। तो आप कितना टाइम जिम में रहते हैं या योगा में? योगा 1.5 घंटा करीब और जिम के लिए 2 घंटे जी जी बिल्कुल उतना करना ही पड़ता है 1.5 घंटा। इसके अलावा रिसेंटली देयर इज अ बिग कंट्रोवर्सी हैपनिंग इन बॉलीवुड सोनू निगम रिलेटेड स्टेटमेंट आफ्टर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इशू? मैं इस इंडस्ट्री से भी जस्ट राइज कर रहा हूँ छोटा सा पौधा हूँ तो मेरा कोई हक नहीं बनता मैं किसी भी कुछ कमेंट कर सकूं। एनीथिंग यू वांट टू कमेंट ऑन दिस इशू? हां एक्चुअली जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट को गलत तरीके से लेके
गया है, जैसे कि उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्हें अजान से प्रॉब्लम है, कि उन्हें आरती से प्रॉब्लम है, उन्होंने ये कहा है कि उन्हें लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है. उन्होंने कहा एक वैलिड टाइम होना चाहिए लाउड स्पीकर प्ले करने के लिए कोई भी चीज़, मतलब वेदर इफ इट्स आरती, अजान और डीजे पार्टी, एनीथिंग, एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए. जो मॉर्निंग है और अजान है, उन्होंने कहा कि मुझे लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम है क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है. बंदे काम करते हैं, मे बी शायद उनका बिजी लाइफ हमसे बहुत. Planet Bhojpuri.